नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया में चयनित कुल 700 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। मिशन रोजगार के इस अभिनव कार्यक्रम की एक नई श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित विभिन्न विभागों के नवनियुक्त अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मंत्रीगण श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, श्री के शर्मा जी, श्री राकेश सजान जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, राकेश राठौर जी, सतीश चंद शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री संजीव मित्तल जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री विजय कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, विभिन्न विभागों के हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित सभी यहां पर उपस्थित अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि विगत 1.5 वर्ष के अंदर यह 21वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व सहयोगियों ने आपके सामने विस्तार से कहा कि मात्र 10 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारियों को, आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता अभिभावकों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर एक साथ डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 93, कोषाधिकारी के 12, नायब तहसीलदार के 44, राज्य संपत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी के 2 और व्यवस्थापक के 3, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खान अधिकारी के रूप में 12 और प्रावधिक सहायक के 41, विशेष कार्याधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 1 और प्रबंधक के 14, खाद्य और रसद विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी के श्रेणी 2 के 6, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 1 और आयुष विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में 422। इसके साथ ही नगर विकास के सहायक नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी के 10 पदों पर, यानी कुल 700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करके नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आप आज अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक का आपका जीवन ज्यादातर का अपने माता पिता अभिभावक पर निर्भर रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं, पहले अपने डिग्री लेना, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, यह आपके जीवन का उद्देश्य रहा होगा। लेकिन अब नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ ही आपको विभिन्न विभागों में अपने दायित्व का निर्वहन करने का एक अवसर प्राप्त होगा।
यानी एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत आपके जीवन की प्रारंभ होने जा रही है। और इसमें लगभग 30 से 35 वर्ष का एक कालखंड आपके पास होगा अपने को बनाने का, संवारने का और समाज के सामने प्रस्तुत करने का, अपनी योग्यता और अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने का एक अवसर आप सबके सामने होगा। और इस दृष्टि से इसीलिए नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को हम जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जब यहां पे आपने देखा होगा हमारे मंत्रीगण बोल रहे थे, वे उन बातों को कह रहे थे जो उनके अनुभव पर आधारित थी। जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसंगों का उदाहरण देकर के उन्होंने अपनी बात को आपके सामने रखा, और यही व्यावहारिक जीवन से अब आपको सामना करना है। और व्यावहारिक जीवन यही कि एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपकी जिम्मेदारी किस रूप में, स्वाभाविक रूप से यहां पर जो दो महत्वपूर्ण विभिन्न विभागों के हमने यहां पे नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिसमें 39 डिप्टी कलेक्टर के और 93 डिप्टी एस